द मेजी रिस्टोरेशन इन जापान, शायद ये एक ऐसा रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट था जिसने इस देश को बदल दिया। दोस्तों, आई एम केविन लोपेज, पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से आपको मैं स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री का चैप्टर पार्ट टू मॉडर्नाइजेशन में जापान का जो टॉपिक है उसके अंदर द मेजी रिस्टोरेशन समझाने वाला हूँ। व्हाट एग्जैक्टली वाज दिस? हम जानते हैं, मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने जापान में रूलिंग एलीट्स, रूलिंग क्लासेस, वॉरियर क्लासेस के बारे में बताया है। इफ़ यू वांट टू गो अहेड एंड नो अबाउट देम, यहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें यू कैन चेक आउट द वीडियोस। नाउ एज जापान स्टार्टेड टू ग्रो, सम इंटरनल यू नो लाइक डिमांड्स एंड डिसकंटेंट ऑल्सो स्टार्टेड टू ग्रो। हम जानते हैं शोगन्स ने कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे थोड़े से बैन लगाए थे, लेकिन लोगों को एक चीज पता थी, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस बिग बैड वर्ल्ड। इंटरनल डिसकंटेंट चलता रहा, उसके कारण डिमांड्स बढ़ी। डिमांड्स बढ़ती है किस लिए? कि ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस का बढ़ावा हो। कहीं ना कहीं लोग चाह रहे थे, क्योंकि बिजनेसमैन एक सीमित एरिया में बिजनेस करके कितना फ्लरिश करेगा यार। सो दे हैड सर्टन ग्रोथ्स, और अगर आप एक गवर्नमेंट सिस्टम बना रहे हो, सो द गवर्नमेंट नीड्स टू हैव सर्टन टाइप्स ऑफ ट्रीटीज विद अदर कंट्रीज। अनलेस अंटिल यू डोंट हैव देम, यू विल सकम टू योर सेल्फ। अब ये चीज हो रही थी। इसी बीच अमेरिका ने 1853 में कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को एक ट्रीटी लेके जापान रवाना कर दिया। कॉमोडोर मैथ्यू पेरी को जापानीज लोगों ने एक आतंक की नज़र से देखा, क्योंकि वो सबसे पहले आए थे परमिशन लेने के लिए ट्रेड और डिप्लोमेटिक टर्म्स की जापान के साथ। ज्ञात रहे, जापान वॉज अ लिटरली एंड मेंटली एजुकेटेड कंट्री। दे न्यू कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस किस तरीके से एशियन कंट्रीज को टेक ओवर कर रहे थे। उनके सामने जीते जाते एग्जाम्पल्स थे, इंडिया का कॉलोनाइजेशन, अफ्रीकन कॉलोनाइजेशन, वो देख रहे थे उनके आसपास क्या चल रहा है, फिलीपींस। नाउ जब ये ट्रीटी साइन करने के लिए मैथ्यू पेरी वहाँ पहुँचता है, तो अमेरिका का इसमें एक बहुत बड़ा फायदा था। सबसे बड़ी चीज़, जापान वॉज एन रूट चाइना, रास्ते में पड़ता था। चाइना के साथ अगर ट्रेड रिलेशंस करते हैं, जापान वुड हैव बीन द बेस्ट प्लेस टू हॉल्ट। शिप्स की रिफ्यूलिंग एंड ऑल के लिए जापान वॉज परफेक्ट। दूसरा, अमेरिका की वेलिंग इंडस्ट्री, मतलब वो शिप्स जो वेल को हंट करती है, पूरे पैसिफिक में ट्रैवल करती थी। एंड एक बार पूरा पैसिफिक ट्रैवल करके जापान से फिर वापस एशिया आके वापस अमेरिका जाने में बेटर ये होता कि एक किसी कंट्री को हम एक रिफ्यूलिंग पॉइंट बनाएं। सो दीज ऑल थिंग्स बेसिकली केम इन टू एग्जिस्टेंस एंड दीज वर द बेसिक पॉसिबिलिटीज। 1868 के आते आते अमेरिका ने जो धूम मचाई है जापान में, उससे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हुए। शोगन्स को सडनली डिथ्रोन कर दिया गया, दे वर लिटरली थ्रोन आउट ऑफ द सिस्टम एंड द एम्परर वॉज ब्रॉट बैक, बिकॉज सुप्रीम सील, सुप्रीम ऑर्डर एक एम्परर का हो सकता है, ये मेंटालिटी लोगों के मन में धीरे धीरे डाल दी गई थी। एंड एम्परर केम बैक इन इन द पावर एंड ईडो को अब टोक्यो के नाम से पहचाना जाने लगा। सो दिस थिंग वॉज वेरी वेरी मच। अब कुछ लोग ये देख रहे थे, यार ये तख्ता पलट हो रहा है, एम्परर को लेकर आ रहे हैं जो कि पहले उतना पावरफुल नहीं था जितने शोगन्स थे। शोगन्स कर रहे थे, तोकुगावा फैमिली की हम बात कर रहे हैं, दे वर लाइक डूइंग इट, बट उनको सडनली हटा दिया गया, उसके बाद एम्परर को ला रहे हैं। ये चल क्या रहा है? क्या हमारे देश को भी एक कॉलोनी बनाया जा रहा है? तो ये थोड़ा सा डर लोगों के दिमाग में बैठने लगा।
they started, in fear of the colonization, they started to go ahead and reform the internal, you know, like civilization, internal societies. लोगों के अंदर अपने देश के प्रति हमारा देश, हमारी यू नो देशभक्ति, वो सब चीजें जगाना शुरू कर दिया. बिकॉज दे न्यू ऑलरेडी इंडिया का क्या हश्र हुआ था ट्रेड रिलेशंस पे हामी भर के. तो नाउ, क्योंकि यही हमारे यहां भी हुआ था, बहादुर शाह जफर साहब एंड ऑल थे, औरंगजेब साहब थे, इन लोगों ने ट्रेड रिलेशंस दिए थे. और आखिरी में होता क्या है, एम्परर को लेकर आते हैं, बाद में उसे भी हटा दिया गया था. और क्या हशर हुआ था, वी ऑल नो. तो यहाँ पे यही चीज देखी जा रही थी कि अगर एम्परर को लेकर आ गए एंड इफ ही इज नॉट बीइंग कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स, परहैप्स वी वुड एंड अप बिकमिंग अ कॉलोनी. नाउ दे केम अप विद अ स्लोगन. द स्लोगन वॉज फुकोकू क्यों ही, दैट मीन्स रिच कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी. मतलब हमको एक रिच एंड पावरफुल कंट्री बनानी और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनानी है. क्योंकि एम्परर को अब ऐसे बताया जा रहा था, ही यूज टू वेयर मिलिट्री ड्रेसेस, हिज सील वॉज पावरफुल, ही वॉज रिवर्ड एवरीवेयर एंड ऑल थिंग्स वर हैपनिंग. और साथ में इन लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करा, दैट वॉज बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग इकॉनमी. एक बार जापान की इकॉनमी स्ट्रांग हो जाएगी, उनकी डिप्लोमेसी, उनकी यू नो ब्यूरोक्रेसी और एम्परर स्ट्रांग प्रूव होगा, लोग स्ट्रांग हो जाएंगे, तो उसे कॉलोनी बनने से यू नो लाइक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा कॉलोनी बनाने के लिए. नाउ इस चीज के साथ में एक एम्परर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया. ये एम्परर सिस्टम था दैट द एम्परर वॉज नाउ द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द आर्मी. एक गवर्नमेंट जो फॉर्म हो गई थी वहां पे, उसके अंदर अब एम्परर को भी रखा गया. Although he was made supreme, yet his involvement was there in the government. अब यहाँ clashes शुरू हो गए. Clashes ये शुरू हुए कि emperor के भी आपको permission लेना पड़ेगी, तभी जाके किसी चीज़ को enact किया जाएगा. हालांकि government तो आ गई थी 1870s में, ये चीज़ें दिखने लग गई थी कि वहाँ की government ने एक नया school system reform बनाया, जिसमें education was made compulsory for all kids. Cheers for that. बाद में तो उसे एक तरीके से universal कर दिया गया, हर किसी के लिए, नॉट जस्ट किड्स, एजुकेशन इज कंपल्सरी. दिस वॉज समथिंग वेरी गुड दैट दे स्टार्टेड टू डू. ट्यूशन फीस को बहुत ही मिनिमम रखा जाता था, वेस्टर्न एजुकेशन पे एम्फसाइज दे रहे थे, लेकिन स्ट्रेस था कि जापानीज हिस्ट्री के बारे में बच्चों को पता रहे, लोगों को पता रहे. इससे ना एक वननेस टूवर्ड्स द नेशन जागता है, दैट्स व्हाट्स डन. और ये सब देखता था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर्म की गई थी, ये वो वक्त है दोस्तों जब हमारा देश तो गुलामी में था और बहुत सारे दुनिया के देश गुलामी में चल रहे थे, तब जापान ने ये सारे रिफॉर्म्स शुरू कर दिए थे. अब दिखता है टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया था, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, एवरीथिंग वॉज फॉर्म्ड. बुक्स की प्रॉपर स्क्रूटनी होती थी, सेंसरशिप रहती थी, क्या चीज छपेगी क्या चीज नहीं छपेगी. मॉरल कल्चर, जिसे हम लोग मॉरल साइंस कहते हैं आज की डेट में, वैल्यू एजुकेशन, वो हमारे स्कूल्स में तो 90s के दशक में आया है फ्रेंड्स. यहाँ पे इन लोगों ने 1870s में इस चीज़ को इम्प्रिंट करना शुरू कर दिया था लोगों के दिमाग में. सो पीपल वर एक्चुअली गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रू नेशनलिस्ट्स. 20 years के बाद, 20 years से बड़ा कोई भी यंग बॉय होगा, उसे कुछ टाइम मिलिट्री में जाना है, दैट वॉज अ कंपल्शन. साथ में एक लीगल सिस्टम बनाया गया था दैट कुड सपोर्ट थिंग्स, जो गलत चीज़ें हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें एक लीगल सिस्टम के अंतर्गत बांध दी गई थी. और उसके बाद सेंसरशिप, एज आई सेड अर्लियर, बिल्कुल बहुत तरीके से देखा जाता था व्हाट इज़ बीइंग प्रिंटेड व्हाट इज़ नॉट, क्योंकि एक देश बिल्ड करना है, आपसी मतभेदों के बेसिस पे एक देश नहीं बन पाता है. सो दैट वॉज देयर मेन एम्फसाइज. अगेन देखते हैं हम मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी को एक तरीके से एम्परर के अंडर रखा गया था, नॉट अंडर द गवर्नमेंट. इसमें भी बहुत सारे इश्यू शुरू हुए थे, क्योंकि एम्परर के अंदर जब एक मिलिट्री रहती है तो उनका एक आउटलुक बहुत अलग रहता है. गवर्नमेंट के अंदर रहती है तो दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस भी मेंटेन कर रहे रहते हैं. एम्परर इज समथिंग राजा. दिस लेड टू वॉर्स इन विथ चाइना एंड रशिया. हालांकि इन वॉर्स में जापान जीता था, और एक कंट्री जो अपने देश में कहीं ना कहीं कह सकते हैं डेमोक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, एंडेड अप हैविंग कॉलोनीज आउटसाइड इट्स मेनलैंड. सो दिस वॉज द मीजी, यू नो मीजी रिस्टोरेशन थिंग.
कहाँ से शुरू हुआ, क्या माइंडसेट रहा, क्या इन्वॉल्वमेंट्स रहे और कैसे एंड अप हुआ। नाउ आई गेस यू आर क्लियर विद द टॉपिक। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे इन होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय।